ग्रामीण इंटरनेशनल दिल्ली के द्वारा होप फॉर लाइफ नामक कार्यक्रम दिल्ली के श्री फोर्ट में रखा गया, जिसमें बॉलीवुड के मशहूर गायक कैलाश खेर का लाइव कंसर्ट रखा गया। साथ ही मरीजों के लिए फ्री सेवा के लिए महावीर इंटरनेशनल के द्वारा एम्बुलेंस का भी उद्घाटन किया गया। सरकारी नौकरी में रहा हूँ और भारतीय पुलिस सेवा में था, और एक वहाँ भी एक ऐसा होता है कि लोगों की मदद करने का बहुत मौका होता है पुलिस में, लेकिन मुझे लगा कि ये तो मेरा सरकारी काम है और ड्यूटी का पार्ट है जो मैं कर रहा हूँ। मुझे लगा इससे कुछ हटके भी जब मुझे ईश्वर ने, समाज ने, देश ने इतना दिया है तो कुछ उसके बदले में कुछ देश को, कुछ देशवासियों को, समाज को मुझे वापस देना चाहिए। इसी उद्देश्य से, इसी विचार से मैंने महावीर इंटरनेशनल ज्वाइन की और तब से मैं इसका अध्यक्ष भी रहा काफ़ी लंबे समय तक, 10-12 साल। और ये हमने जो चिकित्सा के क्षेत्र में हमने इसको बढ़ाने की कोशिश की और आज 6 से ज़्यादा अस्पताल दिल्ली में है और एक ऑल इंडिया में 450 सेंटर महावीर इंटरनेशनल, तो मैं उसका उपाध्यक्ष हूँ। और सारे हिंदुस्तान में हम इस तरह का जो चिकित्सा के क्षेत्र में, वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में, चाइल्ड केयर में और एनवायरनमेंट में, जैसे इस साल हमारा 10 लाख पेड़ लगाने का टारगेट है इंडिया में, पूरे इंडिया में, तो ये हम काम कर रहे हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं कि हम सब चीज़ सरकार पे नहीं छोड़ सकते, हमें सबको नागरिकों को करनी पड़ेगी और सबको आगे आना पड़ेगा, तो अपने आप ही देश जो है हमारा उसकी प्रगति होगी और देशवासी जो मजबूत होंगे और हर आदमी के पास में रोटी कपड़ा मकान जिसे कहते हैं, हर आदमी की मिनिमम आवश्यकता पूर्ति। ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले, जो रूप बनाकर मतलब समझ लीजिए बहरूपी बैठा वीराने, और उसकी मन की वही कोई नहीं बस वही जाने। ये वो है, ये ऐसा विष्णु रूप है, देखिए सिंपल सादगी में रहते हैं, ये सुबह उठते हैं जी, उठकर प्रार्थना करके अपने दिन का प्रारंभ करते हैं। कैसे आप हैरान हो जाएंगे कि जी आज मैं किस किस की सहायता करूं, ये कंपटीशन में रहते हैं इसमें। सुबह उठते हैं ये बिस्किटों के पैकेट लेते हैं अपने वैन में, खुद ड्राइव करते हैं हीरो की तरह, ऐसे मैंने देखा है इनको, शायद ऑडी एक है तगड़ी एसयूवी की, अब पेलम पेल अंदर बिस्किट भरे हुए हैं। जितने लोग सड़क किनारे कार्यरत थोड़े बहुत लगे हुए हैं, कुछ कुछ चीजों से निपट रहे हैं, असहाय दिखते हैं, सबको बिस्किट बांटते हैं सुबह से शाम तक। जब बांटते हैं तो क्योंकि रोज का काम है तो अब वो रोज समझ गए कि आज बिस्किट बाबा आएगा, तो वो अपने दुख भी तो बताने शुरू करते हैं कुछ कुछ लोग। जब ये दुख उनके सुनते हैं तो किसी को मेडिकल हेल्प चाहिए होती है, किसी को कुछ, ये रोज का इनका ये काम है जी। तो ऐसे ऐसे जो परमवीर महावीर यहाँ लोग हैं हमारे देश में, इनसे पहचान बनती है। तो ये जो अंशुल आपने प्रश्न पूछा है भारत में वीरों की कमी नहीं है। हाँ ये है कि हम बैड प्रोडक्ट गुड मार्केट के शिकार हैं, बस तो मार्केटिंग जो है वो बेकार की चीजों में लगी हुई है, अखबार भरे हुए हैं, चैनल आपके सड़ियल चीजों से भरे होंगे, क्यों उनके पास पैसा है। तो ये नेकी में, नेकी के कामों में ग्लैमर कम होता है। स्वच्छ भारत एम्बेसडर बनाया हुआ है स्वच्छ भारत कैंपेन के लिए पीएम सर ने, अब हम जाते हैं जहां भी जाते हैं अपनी कॉन्सर्ट्स में तो ये मैसेज देते हैं, क्योंकि अलख जगाना, लोगों को अवेयर करना ही सबसे बड़ी चुनौती इस दुनिया में, क्योंकि कई लोगों को अभी ये भी नहीं पता जीना कैसे है। तो यदि आप उनको बताते रहें कि जी आप ऐसे हैं, आपको पता नहीं आपकी शक्ति क्या है,
तो हम जहां भी जाते हैं ये बताते हैं। इसी तरह से यदि हर सेलिब्रिटी जिनको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, यदि वो नेकी की विचार, नेकी के संदेशे वो बढ़ाने शुरू करें, तो उससे बहुत धरती पर प्रकाश फैलेगा। और क्या ना, गरीबी बहुत रही है अंशुल जी, हमारे देश को लूटा बहुत गया, हजारों साल का इतिहास है, किसी और देश का कभी ऐसा इतिहास है नहीं। हमारे देश ने कभी किसी पर हमले किए नहीं, हमारे देश ने हमले बहुत सहे, और डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ डाइवर्स बहुत रही, भिन्नता जिसको अनुपात, या तो किसी के पास है तो हर जगह बंगले हैं, हर जगह गाड़ियां हैं, हर जगह उसके महल दुमहले हैं, हर जगह लंदन में भी हमारे साहब का बंगला है, हमारे साहब का तो पेरिस में भी है, न्यूयॉर्क में भी है, हम लोनावले में हमारा फार्म था, तो एक चौकीदार से हम हमेशा जब भी घूमते थे वहाँ बात करते थे। अब चौकीदार से एक दिन हमने पूछ लिया, तेरे साहब के हर जगह बंगले हैं, तेरा साहब कभी दिखता नहीं, कभी साहब आए तो हमें भी दिखवाया, से तेरा साहब कहाँ है, कि साहब तो हॉस्पिटल में है सर। अबे तो मैंने कहा साले इतने बंगले बनाने से क्या फायदा, एक हॉस्पिटल ही बना लेता। तो भारत भारत में विभिन्नता बहुत है भैया, विषमताएं बहुत हैं भारत के अंदर, क्योंकि जिनको आप लूटते हैं, लूटने के बाद का जो संभलना होता है, चार जनरेशन तक वो सिर्फ लूट सीखते हैं, यानी लूटा हुआ भी लूटता है, याद रखना ये साइकोलॉजी है जी, आप सब हमारे बड़े बैठे हैं। लूटे हुए को जब संभलते हुए आप देखते हैं तो तीन चार जनरेशन तक वो और लूटता है। अभी आप मजबूत होना है, बिल्कुल भुखमरी नहीं देखनी, अब इतना मजबूत हो जाओ, तो वो मजबूत होने की परिभाषा उनको नहीं समझ आती कि भाई मजबूत क्या हो गया। हजारों जिसके पास है वो हजारों फ्लैट हैं, हजारों बंगले हैं, हजारों फार्म हैं, जिन किसी के पास कुछ भी नहीं, तो इतना डिस्क्रिमिनेशन होने की वजह से जी अवेयरनेस इन चीजों पे कहाँ आएगा। अभी तो भारत संभलेगा, संभलते संभलते और 200 साल लगेंगे, नियत भारत में हर इंसान की अच्छी नहीं होती जी। तो ये है कि जब दुख दर्द आता है तब नियत परिवर्तित होती है, जब नियत परिवर्तित होती है तो नियत ही बदल जाती है।